सुधीर, सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरी दुनिया के अंदर, और मकराना मार्बल के जो मंदिर और मूर्तियाँ होती है वो पूरी दुनिया के अंदर वाइट गोल्ड के नाम से फेमस है। इनसे अच्छा दुनिया में कहीं नहीं बनता। और आपको इसकी सटीक जानकारी कैसे मिल सकती है, वो आपको यहाँ के मैन्युफैक्चरर से ही मिल सकती है कि ये अच्छा और किस तरीके का मटेरियल यूज़ करते हैं और किस वजह से उनकी प्राइस रेंज अप डाउन होती है और आप एक बेहतर मूर्ति और मंदिर कैसे खरीद सकते हैं। तो आइए आज हम मुलाकात करते हैं दीपिका हैंडीक्राफ्ट ओनर से। नमस्ते, आपका नाम और इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मेरा नाम सोनू सैनी है। ठीक है सर, मैं मकराना का ही हूँ। अच्छा अच्छा और अपन मूर्तियाँ भी बनाते हैं और मंदिर भी बनाते हैं। अच्छा। बड़े मंदिर भी बनाते हैं, बड़ी मूर्तियाँ भी बनाते हैं, छोटी भी बनाते हैं। ठीक, आइए जानते हैं श्री हनुमान जी की मकराना मार्बल मूर्ति के बारे में। ये जो फेस आपके सामने है ये मकराना मार्बल में बना हुआ है और श्री हनुमान जी की मूर्ति है। और आप इस मूर्ति में देखेंगे कि इसका 99% मूर्ति के अंदर कोई पेंटिंग या कलर नहीं है और ऑलमोस्ट जो इसको आपको दिखाई दे रहा है वो मकराना मार्बल की वाइटनेस दिखाई दे रही है। केवल इनके चेहरे और शरीर पे कुछ पेंटिंग की गई है, मतलब ये प्योर मकराना मार्बल में बनी हुई है। और इसकी चमक देख के आपको लग रहा होगा कि ये मकराना मार्बल है, क्योंकि ऐसी चमक मकराना मार्बल पे आती है, क्योंकि मकराना मार्बल दुनिया में सबसे अच्छा पत्थर माना जाता है घड़ाई के लिए और सबसे ज़्यादा टिकाऊ और लॉन्ग लाइफ होता है। तो ये उसका एक बहुत ही बढ़िया और अनूठा उदाहरण है। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं इसकी हाइट 36 इंच है और इसकी विड्थ 18 इंच है और इसकी प्राइस 25,000 से 30,000 रुपये पड़ती है अगर आप इसको मकराना मार्बल में बनवाते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए देखें। नमस्कार दोस्तों, मार्बल दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि मार्बल की घड़ाई किस तरह होती है और कारीगर किस तरह बड़ी बारीकी से मकराना मार्बल के आइटम की घड़ाई करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से काम इस पर करते हैं। और जो आपके सामने ये मूर्ति है ये बताएंगे किसकी मूर्ति है और क्या क्या काम चल रहा है। सोनू जी बताइए। ये तेजिंग जी की मूर्ति है, 2.5 फीट की मकराना वाइट की मूर्ति है। ये देख लो कारीगर काम कर रहे हैं। सर, एक मूर्ति बनाने में आपको कितना समय लग जाता है? जैसे ये वाली मूर्ति है आपके सामने, ये वाली मूर्ति में लगभग 5 दिन लग जाते हैं। 5 दिन बनाने में लग जाते हैं। और ये मूर्ति आपको फोटो के रूप में देते हैं या आप लोग कैसे बनाते हो भाई इस तरीके का कुछ बनाना है? अगले फोटो देते हैं। अच्छा, और हम इसको नाप तोल के उसे बनाते हैं। अरे, जैसी फ़ोटो देते हैं उसके हिसाब से आप पेंसिल से बना के इसका चित्र और उसके हिसाब से मार्बल की बना देते हैं आप मूर्ति इसकी, है ना? तो आपको कितना समय हो गया सर काम करते हुए ये मूर्ति बनाते हुए? 10 साल हो गए। मतलब 10 साल हो गए और आप इस तरह मकराना की मूर्तियों को तराशते हैं, संगमरमर को मूर्तियों के रूप में डाल देते हैं। और यहाँ मकराना के मार्बल पे काम होता है या किसी और दूसरे मार्बल पे भी काम होता है? नहीं, दूसरे पे भी होता है, ऑर्डर पे होता है। अच्छा, जैसा ऑर्डर होता है उसके हिसाब से आप मूर्ति बना देते हैं। तो आपके हिसाब से आप क्या मानते हो, मकराना मार्बल की मूर्ति सबसे बढ़िया होती है? यही होती है मकराना मार्बल, बाकी दूसरे मार्बल की वैसी नहीं हो सकती जैसी मकराना मार्बल की होती है। मकराना मार्बल की सही होती है। अच्छा, तो आपके हिसाब से भी अगर कोई मूर्ति बनवाए तो मकराना मार्बल की बनवानी चाहिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई मकराना मार्बल मूर्ति की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मकराना मार्बल की हर प्रकार की मूर्तियों की लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहें और आप बेहतर जानकारियों का कलेक्शन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।